अभी तक हमने देखा कि पहले वर्ष में जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मदीना शिफ्ट करके जाते हैं तो वहाँ पर जिहाद शुरू होता है, और तीन रेड जो पहली थी उनमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने स्वयं पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन जो इस पहले हिजरत वर्ष की अंतिम रेड थी, अंतिम गजवा था, उसमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला स्वयं लीडर बन के जाते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। अब जैसे ही दूसरा वर्ष शुरू होता है हिजरत का, जो कि पिछले अटैक से, पिछले गज़व से लगभग एक महीने बाद का है, तो हमें देखने को मिलता है कि एक बार दोबारा से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नेतृत्व में जो मदीना में उनके जो चेले हैं वो एक बार फिर से गज़व करने के लिए निकलते हैं। ये जो गज़व है, जो दूसरे साल का पहला गज़व है, ये किया जाता है बोवात नाम की जगह है वहाँ। अब इसका रेफरेंस हमें इब्न इज़हाक में भी मिलता है, उसका पेज नंबर 285 है जिसमें इसका रेफरेंस है, और उसके बाद विलियम मुइर की जो किताब है लाइफ ऑफ मोहम्मद उसके पेज नंबर 200 पे हमें इसका डिटेल्ड रेफरेंस मिलता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ये समाचार मिलता है कि उनका एक जो प्रतिद्वंद्वी था मक्का में, उमैया, जो वैसे उनके ख़ानदान का ही आदमी था और बाद में जो उमैयद खिलाफत है वो यही व्यक्ति शुरू करने वाला है, लेकिन अभी वो मोहम्मद का एक विरोधी है, एक शत्रु है, वो लगभग 2500 ऊँटों का एक बहुत बड़ा कारवां लेकर निकलता है मक्का से, और क्योंकि बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो ये जो कारवां है इसमें बहुत सारा धन संपत्ति भी है, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने 200 साथियों के साथ इस कारवां पर हमला करने के लिए निकलते हैं। अब यहाँ पर खास बात क्या है कि पिछले हमले में उनके साथ सिर्फ मुहाजिर थे, यानी सिर्फ वो लोग थे जो मक्का से हिजरत करके आए थे, लेकिन यहाँ पर ये जो 200 लोग हैं इनमें मुहाजिर भी हैं और अंसार भी हैं, यानी कि जो मदीना के मूल निवासी थे वो भी अब इनके साथ मिलकर जो मक्का के कारवां हैं उन पर हमला करने के लिए, उनको लूटने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब ये जो मक्का से कारवां चला था जिसमें 2500 ऊँट थे, उनमें साथ में 100 आदमी थे जो सशस्त्र थे, जो इस कारवां की सुरक्षा के लिए तैनात थे। तो एक बार फिर से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से डिस्टेंस कैलकुलेट करने में या समय की गणना करने में गलती हो गई, और जब तक वो बोवात में पहुंचते हैं तब तक वो कारवां वहां से पहले ही निकल चुका था। तो हिजरी 2 में ये जो पहला गज़व था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का, ये एक बार फिर से असफल हो जाता है। इसके लगभग 2-3 महीने बाद फिर एक बार इनको सूचना मिलती है कि एक और बहुत बड़ा कारवां निकलने वाला है मक्का से। ये कारवां सीरिया की ओर जाने वाला है, और इसमें जो मक्का का सारे शहर के जो लोग थे उनका कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि सीरिया की ओर जाने वाला ये कारवां बहुत ज़्यादा समृद्ध होता था। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने साथ लोगों को चुना। अब इस पर इनके पास केवल 30 ऊँट थे जिनके द्वारा इन्होंने ये दूरी भी तय करनी थी और फिर वहाँ पर हमला करना था। 150 से 200 लोग थे इस गज़व में, इस हमले में, और ये ऊँटों पर बारी बारी बदल बदल के बैठते थे और इस तरह से सफ़र पूरा कर रहे थे। और यहाँ मदीना की खासियत क्या थी या मदीना वालों की क्या लॉटरी लगी थी कि मदीना इस रास्ते में आता था, हालांकि एग्जैक्ट रास्ता तो समंदर के किनारे से चलता था लेकिन वो मदीना से काफ़ी निकट पड़ता था, इसलिए इस पर हमला किया जा सकता था। और इसी हमले के लिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने 150 से लेके 200 साथियों के साथ इधर को चलता है। और फिर से एक बार गलती इनसे हो जाती है कि कारवां पहले निकल गया है, ये वहाँ बाद में पहुँचते हैं। अब जो गज़व था वो तो असफल हो गया। इस कारवां का जो मुखिया था वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का एक और प्रतिद्वंद्वी था, अबू सुफियान नाम का, और वो सुरक्षित निकल चुका था। अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने क्या किया, यहाँ पर जो सड़क जाती थी उसके आसपास जो मुख्य कबीले थे उनके साथ इन्होंने एक और संधि की। वो संधि वैसी थी जैसी पिछली बार बनु दमरा के साथ की थी, कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की इन लोगों के साथ शांति की संधि है, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और एक दूसरे की सहायता ये लोग कर सकते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि अभी क्या किया जा रहा है कि जितने भी उत्तर की ओर जाने वाले कारवां हैं उनके रास्ते में खतरा हर बार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इस रास्ते में अपनी संधियां करते करते मक्का वालों के लिए मुसीबतें खड़ी करते जा रहे हैं। इसके बाद जो अगला हमला होता है उसे समझने के लिए आपको इस्लामिक कैलेंडर समझना ज़रूरी है। 12 महीने हैं, मुहर्रम पहला महीना होता है, और वहाँ से चलते हैं। इन 12 महीनों में 4 महीने ऐसे थे जिनको अरबवासी
पवित्र या हुरमत के महीने मानते थे कि इन चार महीनों में कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। ये जो महीने हैं, तीन तो एक साथ आते हैं, 11वां, 12वां और अगले वर्ष का पहला, ये तीन महीने एक साथ रहते हैं, जुलकादा, जुलहिज्जा या जुलहज्जा और मुहर्रम। और इनके अलावा जो साल का 7वां महीना है, जिसे रजब का महीना कहा जाता है, उसे भी एक ऐसा महीना माना जाता है जिसमें युद्ध नहीं किया जा सकता। ये जो आगे हम मोहम्मद की बायोग्राफी जानने वाले हैं, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का जो गुप्तचर तंत्र था वो बहुत अच्छा था। मक्का में क्या हो रहा है इनको मदीना में बैठे बैठे पता लग जाता था। तो अगला जो हमला होता है वो इसी गुप्तचर तंत्र पर आधारित है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को पता लगता है कि एक कारवां तैफ के रास्ते से वापस आ रहा है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ये सूचना मिलती है कि एक कारवां आ रहा है जो मक्का के पूर्व दिशा से आ रहा है, जो कि मदीना से काफ़ी दूर था। तो इसने अपने साथियों को इस कारवां पर हमला करने के लिए भेजना था। इस कारवां में ऊँटों पर किशमिश लदी हुई थी, जो जिसकी उस समय काफ़ी कीमत मानी जाती थी। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने साथियों को भेजना था। यहाँ पर खासियत क्या थी कि ये कारवां बहुत छोटा था, 4-5 लोगों का कारवां था, इसलिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने केवल 8 लोगों को इस कारवां के लिए चुना। अब देखिए कि मक्का और ताइफ के बीच में बड़ी थोड़ी सी दूरी है, लगभग 100 किलोमीटर की, और मदीना से मक्का की दूरी 400 किलोमीटर से ज़्यादा की है। तो ये ऐसी जगह थी जहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं था, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि यहाँ पर आकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जो साथी हैं वो हमला कर सकते हैं। तो बड़ा ही स्मार्ट मूव था एक तरह से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का कि जहाँ एक्सपेक्टेड नहीं है वहाँ पर जाके हमला किया जाए। अब जिन 8 लोगों को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने इस हमले के लिए चुना था, उनका लीडर बनाया गया था अब्दुल्ला बिन जैश नाम के आदमी को। मोहम्मद ने उनको एक चिट्ठी दी और बोला कि चिट्ठी तुम ले जाओ और जब एक खास जगह थी उस घाटी में पहुंचोगे तब इसको जाके खोल के देखना। तो 8 लोग वहां चलते हैं, बाकी 7 को नहीं पता कि इस तरह की एक चिट्ठी इसके पास है। तो वहां जाकर जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो अब्दुल्ला उस चिट्ठी को खोल के देखता है। उसमें लिखा है, अल्लाह के फजल से नखला घाटी में जाओ और वहां से जाने वाले कुरैशियों के कारवां को घात लगाकर रोक लो। तुम्हारे जो साथी तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं उन्हें ले जाओ और बाकियों को साथ में मत लेके जाना, उन्हें इसके लिए मजबूर मत करना। तो अब्दुल्ला ये चिट्ठी खोल के पढ़ता है, अपने साथियों को बताता है और साथ में ही उनको ये कहता है कि मैं तो अपने रसूल का हुक्म मानने वाला हूँ, तुमने चलना है तो चलो, नहीं चलना तो यहाँ से वापस जा सकते हो। तो ये सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे और हम ये हमला करेंगे। अब ये जो नखला घाटी है, ये हम पहले देख चुके हैं कि ये वही घाटी है जहाँ पर जिन्नों ने कुरान को सुना था, जो हम अपनी एक पिछले लेक्चर में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये वहाँ नखला घाटी में पहुँचे, वहाँ पर इन्होंने देख लिया कि सामने से जो कारवां है वो चलता हुआ आ रहा है, उसमें 4-5 ही लोग हैं। तो इन लोगों को धोखा देने के लिए ये अब्दुल्ला और इसके साथी ने क्या किया, एक आदमी का सिर जो था वो मूंड दिया। अब ये जो रजब का महीना है, जो 7वां महीना है, इसकी विशेषता क्या है कि इस्लाम से पहले भी और अब भी 7वें महीने में लोग उमरा करने जाते हैं, जिसे छोटी हज कहा जाता है। और छोटी हज का एक जो वहाँ पर विधि है वो ये है कि जो भी वहाँ यात्रा करता है वो अपने बाल उतरवा के आता है, जैसे हमारे यहाँ भी कई मंदिरों में एक प्रथा चलती है। तो इन्होंने उसको एक उमरा करने वाले यात्री का भेष बदल दिया कि उसका सिर मूंड दिया। तो सामने से जब जो ये लोग कुरैशी आ रहे थे उन्होंने देखा, तो एक बार तो वो सावधान हो गए, पर जब उन्होंने देखा कि सिर मुंडा हुआ है तो उनको निश्चिंती हो गई कि कोई बात नहीं, ये तो उमरा करके आ रहे हैं तो ये हमें हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो उन्होंने निश्चिंत होकर अपने ऊँट छोड़ दिए और अपना खाना वगैरह बना के खाने लगे। अब इन लोगों में एक दुविधा थी, जो अब्दुल्ला और उसके साथी थे, कि ये रजब के महीने का अंतिम दिन था और रजब के महीने में कोई हमला नहीं किया जाता, कोई युद्ध नहीं किया जाता। अब यहाँ पर इनके पास ना तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे, ना जिब्रील था, ना अल्लाह मियाँ थे, तो इनको फ़ैसला अपने आप ही करना था। तो इन्होंने यही डिसाइड किया कि अगर हमने आज हमला नहीं किया तो ये लोग मक्का पहुँच जाएंगे, और क्योंकि मक्का में युद्ध करना पहले ही वर्जित है तो वहाँ पर ये सेफ हो जाएंगे। आज अगर हम युद्ध करते हैं तो रजब के महीने का वॉयलेशन तो होता है, लेकिन हमारे हाथ जो लूट है वो लग जाएगी। तो इन्होंने हमले का डिसीजन लिया और उन पर हमला कर दिया। तो उनमें एक आदमी था अम्र नाम का,
वो तीर लगते ही वहीं पर मर जाता है। तो चार में से एक मर गया, एक नौफाल था जो वहाँ से भाग जाता है, और बाकी जो दो थे हाकम और उस्मान, उनको इन्होंने बंदी बना लिया और अब इन्होंने लूट का माल लेकर मदीना की ओर चल पड़ते हैं। अब जो मुबारकपुरी की किताब है द सील्ड नेक्टर, वो हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इसमें देती है। ये पेज नंबर 128 है, उस पर क्या लिखा है, दे सेट असाइड 1/5 ऑफ द बूटी असाइंड टू अल्लाह एंड हिज मैसेंजर एंड टुक द रेस्ट। ये हमारे लिए खास क्यों है कि जो इस्लाम का लिटरेचर है उसमें हमें अभी तक ये कहीं नहीं बताया गया कि जो माल लूट के लाया जाएगा उसमें से 20% या 1/5 पांचवा हिस्सा अल्लाह और रसूल के लिए है और बाकी का लूटने वालों के लिए है। क्योंकि ऐसी एक आयत तो कुरान में आती है लेकिन सारे बायोग्राफर्स उसको बाद में बताते हैं कि वो अगले हमले के बाद आएगी। तो अगर मुबारकपुरी की ये बात सही है, इसका अर्थ ये है कि ऑलरेडी ये डिसीजन दिया जा चुका था कि 20% जो होगा वो पैगंबर के लिए रखा जाएगा और बाकी जो हमला करने वाले हैं उनके बीच में बांटा जा सकता है। एनीवे, आगे चलते हैं। अब जैसे ही ये सारा कुछ लेकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास पहुंचते हैं तो ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इसे इनिशियली स्वीकार नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मुबारकपुरी भी यही बता रहे हैं, विलियम मुइर भी यही बताते हैं, क्योंकि वो नियम था कि रजब के महीने में युद्ध नहीं करना है और इन्होंने रजब के महीने में ना केवल युद्ध किया बल्कि एक हत्या भी कर दी है। सारे इतिहासकार इस हमले को खास इसीलिए बताते हैं कि इस्लाम का वो पहला हमला था जिसमें इन्होंने मर्डर भी किया और जो लूट का माल भी अपने पास इकट्ठा करके लेके आते हैं। अब स्थिति क्या है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के अपने लोग हैं जो हमला करके आए हैं और वो लूट का माल भी लेके आए हैं, तो ऐसी स्थिति में सॉल्यूशन क्या निकलेगा? जैसा कि आज तक पहले होता आया है, अब भी अल्लाह मियाँ अपनी एक आयत नाजिल करते हैं, क्योंकि इस्लाम के अकॉर्डिंग अल्लाह मियाँ के पास एक लौहे महफूज एक किताब है जो वहाँ ह्यूमैनिटी की स्टार्टिंग से है और वही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पर नाजिल हो रही है। तो अब ये एटर्नल किताब जो हमेशा के लिए वहाँ उपस्थित थी उसमें से एक नई आयत नाजिल होती है, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की इस समस्या का समाधान कर देती है। ये आयत है, ऐ रसूल, तुमसे लोग हुरमत वाले महीनों की निस्बत पूछते हैं कि जिहाद उनमें जायज़ है, तो तुम उन्हें जवाब दो कि इन महीनों में जिहाद बड़ा गुनाह है, और ये भी याद रहे कि अल्लाह की राह से रोकना और अल्लाह से इनकार और मस्जिदुल हराम काबा से रोकना और जो उसके अहल हैं उनका मस्जिद से निकाल बाहर करना, ये सब अल्लाह के नज़दीक इससे भी बढ़कर गुनाह है और फितना परदाजी कुश्ती खून से भी बढ़कर है, और ये कुफार हमेशा तुमसे लड़ते ही चले जाएंगे यहाँ तक कि अगर उनका बस चले तो तुमको तुम्हारे दीन से फिरा दें, और तुम में जो शख्स अपने दीन से फिरा और कुफर की हालत में मर गया तो ऐसों ही का किया कराया सब कुछ दुनिया और आखिरत में अकारत है, और यही लोग जहन्नुमी हैं और वह उसी में हमेशा रहेंगे। तो अल्लाह मियाँ ने एक बड़ी क्लियर आयत यहाँ नाजिल कर दी है। ये आयत क्या है कि चलो जिहाद तो बुरा है, कि जो पवित्र महीने थे, जो हुरमत के महीने थे, उनमें जिहाद करना तो बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा क्या है कि इन्होंने तुमको काबा में मस्जिद नहीं बनाने दी, वहाँ पर तुम्हें नमाज नहीं अदा करने दी और तुम्हें वहाँ से निकाला, ये उससे भी बड़ा गुनाह है। इसलिए अल्लाह मियाँ ने अगर तुम ये करके भी आए हो तो तुम्हें इसके लिए माफ़ कर दिया है। तो अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 20% जो लूट का माल था वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को दिया गया और बाकी का इनमें आपस में बांट दिया गया। अब एक सवाल उठा कि जो दो बंदी बना के लाए गए हैं इनका क्या किया जाए। तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। जब ये 8 लोग वहाँ पर चिट्ठी पढ़ने के बाद आगे चलते हैं तो उनमें से 2 लोग थे जिन्होंने कहा कि हमारा ऊँट भटक गया, हम उसको लेके आते हैं, तुम लोग आगे चलो। अब इसमें कुछ लोगों का कहना है कि वो जिहाद नहीं करना चाहते थे, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, इसलिए वो वापस आ गए, वापस चल पड़े, लेकिन अभी पहुँचे नहीं। और कुछ का कहना है कि सच में ही उनका ऊँट खो गया था, उसे ढूंढने के लिए वापस चले गए थे। इनमें से सच क्या है हम नहीं जानते, लेकिन जो हुआ हम उस पर बात करते हैं। अब 2 बंदी बनाए गए हैं और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के 2 लोग मिसिंग हैं। उधर
जो एक आदमी भाग गया था नौफाल, वो मक्का में पहुंचता है और बताता है कि अम्र मारा गया है और बाकी दो को वहाँ पर कैदी बना के रखा गया है। तो मक्का वाले, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो पैसे लेके आते हैं कि आप ये पैसे ले लो और हमारे आदमी हमारे लिए छोड़ दो। अब आप कल्पना करके देखिए कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पैगंबर रसूल क्या करेंगे। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उनसे कहते हैं कि मेरे दो आदमी यहाँ नहीं हैं, अगर तो वो नहीं पहुँचे, उन्हें अगर तुमने मार दिया है तो मैं तुम्हारे इन दोनों आदमियों को मार दूँगा। लेकिन कुछ टाइम बाद वो आदमी आ जाते हैं, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला फिरौती की रकम लेते हैं और इन कैदियों को रिहा कर दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक अकेला इंसिडेंट बता सकता है कि किस तरह का बिहेवियर आगे होने वाला है, और अभी से जो चल रहा है वो भी आपको स्पष्ट करेगा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में कैसी इमेज लोगों को दिखाई जाती है और जो ऐतिहासिक सत्य है वो क्या बताते हैं। अब इसमें इस्लाम में इस हमले को बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती है, बहुत ही सम्मान दिया जाता है, और अब्दुल्ला जिसने इनकी लीडरशिप की थी, जो 8 लोगों में लीडर था, उसे पहला आमिरुल मोमिनीन कहा जाता है कि मुसलमानों का जो पहला कमांडर था वो अब्दुल्ला था। अब सैफुर्रहमान मुबारकपुरी हमें इसमें एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताते हैं, वो देखिए क्या है। यह पेज नंबर 128। द आइडल टॉक ब्रॉट अबाउट अ पेनफुल हेडेक टू मोहम्मद्स कंपेनियंस अंटिल एट लास्ट दे वर रिलीव्ड व्हेन द रेवलेशन केम डाउन गिविंग अ डिसाइसिव आंसर एंड स्टेटिंग क्वाइट एक्सप्लिसिटली दैट बिहेवियर ऑफ द पॉलीथीस्ट्स इन द होल वॉस। तो अल्लाह मियाँ ने यहाँ पर आयतें नाजिल की हैं कि अब जो मोमिन हैं, जो मुसलमान हैं, वो जिहाद कर सकते हैं। तो ये दूसरी सुरा की 190 से 193 वाली जो 4 आयतें हैं, इन्हें हम एक बार पढ़ के देखते हैं। और जो लोग तुमसे लड़े, तुम भी अल्लाह की राह में उनसे लड़ो और ज्यादती ना करो, क्योंकि अल्लाह ज्यादती करने वालों को हरगिज दोस्त नहीं रखता। और तुम उन मुशरिकों को जहाँ पाओ मार ही डालो, और उन लोगों में जहाँ मक्का से तुम्हें शहर बदर किया है तुम भी उन्हें निकाल बाहर करो, और फितना परदाजी खुरैंजी से भी बढ़ के है, और जब तक वह लोग कुफार मस्जिद हराम काबा के पास तुमसे ना लड़े तुम भी उनसे उस जगह ना लड़ो, बस अगर वह तुमसे लड़े तो बेखटके तुम भी उनको कत्ल करो, फिर काफिरों की यही सजा है, फिर अगर वह लोग बाज रहे तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और जो 193 आयत है ये आपको बताती है कि ये जो लड़ाई झगड़ा है या जिहाद है कब तक इसको जारी रखना है। और उनसे लड़े जाओ यहाँ तक कि फसाद बाकी ना रहे और सिर्फ अल्लाह ही का दीन रह जाए, फिर अगर वे लोग बाज रहें तो उन पर ज्यादती ना करो, क्योंकि जालिमों के सिवा किसी पर ज्यादती अच्छी नहीं है। तो अल्लाह मियाँ ने ये जो आयतें पेश की हैं ये उनको एग्रेसिव जिहाद की परमिशन दे रही है कि आप जाओ और उनको मारो, उनको काट दो, और ये जिहाद तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक कि दीन सिर्फ अल्लाह का नहीं रह जाता, यानी सारे के सारे मुसलमान नहीं बन जाते। फिर सैफुर्रहमान मुबारकपुरी की किताब के पेज नंबर 130 पर वो और इसको आगे स्पष्ट करते हैं। बिफोर लॉन्ग अल्लाह अगेन सेंट द मुस्लिम्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्सेस वेयर बाय टीचिंग देम वेज ऑफ फाइटिंग अर्जिंग देम टू गो टू वॉर एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग रेलिवेंट रूल्स। तो बहुत ही जल्दी अल्लाह मियाँ ने और आयतें नाजिल की जो मुसलमानों को वो नियम बता रहे हैं कि आप लोगों ने किस तरह से काफिरों पर हमला करना और किस तरह से उन पर आक्रमण करना है। इसमें जो रेफरेंस दे रहे हैं वो है सूरा नंबर 47 की आयत नंबर 34 से 7। ये 4 सूराओं का वर्णन है, इन्हें भी देखते हैं। जब तुम काफिरों से भिड़ जाओ तो उनकी गर्दनें उड़ा दो, यहां तक कि जब उनको खूब कत्ल कर चुको तो जो जिंदा पकड़े जाएं उनको मजबूती से कैद कर लो, फिर इसके बाद या तो एहसान रखकर छोड़ देना चाहिए या कुछ माल लेकर, यहां तक कि मुखालिफ फरीक यानी दुश्मन लड़ाई के हथियार हाथ से रख दे। यह हुक्म याद रखो, और अगर अल्लाह चाहता तो और तरह उनसे बदले ले लेता, लेकिन उसने चाहा कि तुम्हारी आजमाइश एक को दूसरे से लड़वा कर करे, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनके आमालों को हरगिज बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि उनको सीधे रास्ते पर चलाएगा और उनकी हालत दुरुस्त कर देगा,
और उनको बहिश्त में जिससे उनको पहचनवा रखा है दाखिल करेगा। ए अहले ईमान, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वह भी तुम्हारी मदद करेगा और तुमको साबित कदम रखेगा। अब ये वो आयतें हैं जो मुबारकपुरी ने रेफर की हैं, लेकिन हम इसके आगे वाली भी चार पांच आयतें उन्हें पढ़ लेते हैं ताकि हमें पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या यहां पर कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। और जो काफिर हैं उनके लिए हलाकत है और वह उनके अमाल को बर्बाद कर देगा। यह इसलिए कि अल्लाह ने जो चीज नाजिल फरमाई उन्होंने उसको नापसंद किया, तो अल्लाह ने उनके अमाल अकारत कर दिए। क्या उन्होंने मुल्क में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग उनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ? अल्लाह ने उन पर तबाही डाल दी और इसी तरह का अजाब उन काफिरों को होगा। यह इसलिए कि जो मोमिन है उनका अल्लाह कारसाज है और काफिरों का कोई कारसाज नहीं है। तो अल्लाह मियां की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अब आप एग्रेशन में जा सकते हो, आप आक्रामक हो सकते हो, हमले करो और उनकी गर्दनें उड़ा दो, उनको पकड़ लो, उनको बांध लो, चाहो तो उनको फ्री छोड़ सकते हो और अगर चाहो तो फिरौती लेकर उनको छोड़ सकते हो। और अगर इसमें तुम मारे जाते हो, शहीद हो जाते हो, तो तुम्हारी कारगुजारियों को जो अल्लाह मियां हैं वो अकारत नहीं जाने देंगे, वो आपको उनका इनाम ज़रूर देने वाले हैं। तो अब ये जिहाद की जो कॉन्सेप्ट है ये दूसरे वर्ष में, हिजरत के दूसरे वर्ष में ज़्यादा परिपक्व होती जा रही है। नमस्ते।